हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नियाज और आप देख रहे हैं ओलंपिया टॉक्स। तो अभी रिसेंटली स्पेन में यूरोपा प्रो शो ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें हम टॉप 5 एथलीट की बात करें तो इसमें विनर बने जेम्स हॉलिंगसेट, सेकंड प्लेस पर है राफेल ब्रैंडाओ, थर्ड प्लेस पर है लुकास ओसलादी, फोर्थ पर है रेगन ग्राइम्स और फिफ्थ पर है सैमसन दौदा। अगर हम इस लिस्ट में सैमसन दौदा को हटा दें और टॉप 4 प्लेसिंग की बात करें तो इसमें टॉप 4 प्लेसिंग मुझे थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल लगी, क्योंकि अगर हम इसमें 4 प्लेसिंग पर रहे रीगन ग्राइम्स की बात करें तो रीगन ने अपना मिस्टर ओलंपिया क्वालिफिकेशन इस साल का मिस कर दिया है और अब रीगन को पॉइंट स्टैंडिंग के बेसिस पर या फिर अगर अपकमिंग शिकागो प्रो को रीगन जीत जाते तो वहाँ अब रीगन बस इन दो तरीके से ही मिस्टर ओलंपिया में क्वालिफाई कर सकते हैं इस साल के। वैसे रीगन की पोजीशन की बात करें तो रीगन की कंडीशन ठीक ठाक दिख रही है शो में और रीगन बाकी दूसरे शो के कंपैरिजन में यूरोपा प्रो में ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं और ज़्यादा बेटर कंडीशन में नज़र आ रहे हैं, तो इस हिसाब से रीगन को थर्ड प्लेस पर होना था। वहीं अगर इसमें हम बात करें राफेल ब्रैंडाओ की तो राफेल थर्ड प्लेस पर हैं शो में, जबकि राफेल की जिस तरह की कंडीशनिंग और सिमेट्री दिख रही है उसके अकॉर्डिंग राफेल को सेकेंड प्लेस पर होना था, या फिर मैं बोलूँ राफेल यूरोपा प्रो में विनर भी बन सकते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया राफेल मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन स्टेज रेडी नज़र आते हैं और इस शो में इनकी फिजिक जिस तरह की थी, जैसा कि आप इनकी वेस्ट लाइन देखें या इनका मिड सेक्शन, दोनों ही अमेजिंग और काफ़ी टाइट लग रहा है। या फिर अगर राफेल के लेग्स की बात करें तो इसमें भी इनके प्रॉपर क्रॉस ट्राइशन दिख रहे हैं, तो इसलिए मेरा मानना है राफेल यहाँ पर विनर भी बन सकते थे, लेकिन जजेस ने मुझे समझ में नहीं आया कि क्या सोच के राफेल को थर्ड प्लेसिंग दी। अगर जजेस उनको सेकंड प्लेस पर भी रखते इस शो में तो काफ़ी बेटर होता। इसके बाद अगर मैं बात करूं लुकास ओसलादी की, जो कि रनर अप बने, जबकि लुकास की कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग तो लुकास को रेगन ग्राइम्स के भी नीचे रखना था और लुकास को फोर्थ प्लेसिंग देनी थी। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम लुकास भी राफेल की तरह अपनी कंडीशनिंग के लिए ही जाने जाते हैं। अब अगर हम लास्ट में बात करें तो जेम्स हॉलिंगसेट की, तो जेम्स हॉलिंगसेट की बात करें जो कि शो के विनर बने हैं, तो जेम्स की जैसी कि फिजिक रही शो में तो जेम्स डिजर्व भी करते हैं शो को जीतना और ओवरऑल जेम्स की फिजिक काफ़ी प्रोपोर्शनेट और सिमेट्रिकल लग रही है। सो अकॉर्डिंग टू मी जेम्स फर्स्ट, राफेल सेकंड, रेगन थर्ड, लुकास को फोर्थ प्लेस पर होना था। खैर टॉप 3 एथलीट ने मिस्टर ओलंपिया के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई कर लिया है। वहीं अगर हम इस शो में लाइटनिंग की बात करें तो कंपैरेटिवली कैलिफोर्निया शो से कहीं बेटर थी और इनकी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग फ्री थी और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग काफ़ी अच्छी थी। अब अगर हम बात करें बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अपडेट की तो इसमें सबसे पहले बात हम करेंगे ब्रैंडन करी की फिजिक को लेके, जहाँ वो मिस्टर ओलंपिक के लिए प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं और ब्रैंडन ने अपने रिसेंट पोस्ट में चेस्ट प्रेस का वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसमें ब्रैंडन ने कैप्शन यूज़ किया है 2020 विजन और इसके अकॉर्डिंग ये मिस्टर ओलंपिया के लिए रेडी हैं जिस तरह की इनकी करेंट फिजिक है। और ब्रैंडन करेंटली दुबई में अपने कोच अब्दुल्ला के अंडर मिस्टर ओलंपिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरी अपडेट है यान वलेरे की साइड से, जहां वो अपने पोस्ट में 10 वीक आउट लग रहे हैं मिस्टर ओलंपिया से। वैसे अपने इस पोज में यान ग्रेनी लुक में दिख रहे हैं और इनके आर्म्स और चेस्ट का साइज अमेजिंग दिख रहा है, इनका मिड सेक्शन भी काफ़ी श्रेडेड नज़र आ रहा है। यान के फिजिक को देख के हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यान मिस्टर ओलंपिया में टफ कंपटीशन देने वाले हैं दूसरे सारे एथलीट को, तो इस बार का मिस्टर ओलंपिया काफ़ी एक्साइटिंग होगा। तो बस यही था इस वीडियो में, बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ मेरा वीडियो आपको ये कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।